डोंट कुमार जी मैं आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। आपको व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक डाउनलोड कैसे बंद कर इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक डाउनलोड को बंद करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक डाउनलोड को आप बंद ऑफ कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद आप इन स्टेप्स के जरिए व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक डाउनलोड को बंद कर ऑफ कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक डाउनलोड को बंद करने के लिए कुछ स्टेप्स को पड़ेगा। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक करिए और अब आपको ऊपर राइट साइड पर रीडर दिखाई देगा और आपको उस रीडर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको उस रीडर पर क्लिक करना है। रीडर पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देना आपको मिलेगा और उन सब में से सेटिंग्स का एक ऑप्शन भी मिलेगा। तो आप उस सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करिए और अब आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा और उन सब में से स्टोरेज एंड डाटा का एक ऑप्शन भी मिलेगा। तो आपको उस स्टोरेज एंड डाटा ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया वोटो डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा और उसके नीचे आपको वन यूसिंग मोबाइल डाटा का एक ऑप्शन भी मिलेगा। तो आप उस वन यूसिंग मोबाइल डाटा ऑप्शन पर क्लिक करिए और अब आपको फोटोस ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा और उस सबके पास आपको टिक बॉक्स भी मिलेगा। अगर टिक बॉक्स पर क्लिक टिक रखा है तो आपको उनको वहाँ टिक करना पड़ेगा। जैसे अगर फोटोज़ के पास बॉक्स पर क्लिक कर टिक करके रखा है तो आप उस बॉक्स पर क्लिक करके उसको वन टिक करें। वन करने के बाद ओके पर क्लिक करिए। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको वन कनेक्टेड वन वाईफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको उस वन कनेक्टेड वन वाईफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप आपका फोटोज ऑडियोज वीडियो डॉक्यूमेंट्स के पास के बॉक्स पर क्लिक करके उन सबको वन टिक करना पड़ेगा। तो आप फोटोज ऑडियोज वीडियोज डॉक्यूमेंट्स के पास के बॉक्स पर क्लिक करके उन सबको अनटिक करे और करने के बाद ओके पर क्लिक करिए और करने के बाद व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक डाउनलोड होना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बहुत आसानी से व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक डाउनलोड को बंद कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक डाउनलोड कैसे बंद करें इसके बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करिए।